उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में घर में अकेली महिला को सीने पर तमंचा रखकर किया बलात्कार। शिकायत करने पर दी जान से मारने की धमकी। आपको बताते चले, थाना फरीदपुर क्षेत्र की रहने वाली महिला ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर एसएसपी से कार्रवाई की मांग की है। महिला ने बताया 29 अप्रैल को लगभग रात्रि 12:30 बजे अपने घर पर अकेली थी। पति शादी में गए हुए थे और पड़ोस का रहने वाला सुनील कुमार पुत्र पवन कुमार घर की दीवार से कूदकर घर में घुस आया और चारपाई पर सो रही थी। तब सुशील कुमार ने सीने पर तमंचा रखकर मेरे साथ गलत काम किया। उसकी बिना मर्जी के जबरन अप्राकृतिक संबंध भी बनाए। 28 तारीख को हमारे पति नहीं थे घर पे। 28 तारीख को हमारे घर पे पति नहीं थे, बाहर गए थे शादी में, अपने मामा के लड़का की शादी में गए थे गोरखपुर। उसके बाद से गांव के पड़ोस के है सुशील नाम का, वो चार भैया हैं, चार पांच हैं, बड़े लोग हैं लोग। तो उन्होंने 28 तारीख को रात में घुस के मेरे घर में दीवार फांद के आया, मेरे संग में गलत काम किया, तमंचा रखा मेरे सीने में और देखो कहा है कि देखो अगर कहीं शिकायत करेगी तो तेरी अंजाम बुरा होगा, कहीं भी अगर जाओगी तो इसी डर के मारे हमने कुछ बोली नहीं। फिर मैंने जब वो चला गया उसके बाद से मैं बाहर निकल के दरवाजे खोल के ऐसे कहती रही। उसके बाप निकला था मगर उन्होंने कुछ कहा नहीं, इसलिए है कि देखो उन्होंने कहा कि देखो सुशीला के नाम लिए जा रहा, वो है कहाँ, तो वो दूसरे घर पे लेटा था, सोया था रात में जाके 12 बजे के बाद में जाके लेटा था। उसके बाद से मैंने 29 तारीख को अप्लीकेशन लिखा है मैंने फरीदपुर थाना फरीदपुर है और देखो वो चौकी देवरनिया, तो देवरनिया का दरोगा जी का अप्लीकेशन मैंने दी फरीदपुर में, तो दरोगा जी ने दी कहा जाके घर पे कि चलो हम आ रहे हैं। दरोगा जी ने आया, उनके घर के परिवार को जुड़ने लगे, कोई नहीं आया, सब भाग गए, कोई नहीं आया था उनके पास में। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद से हम आपकी पाँची बार यहाँ पे आए, हमारे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, 2 किसी घर पे करके आए हैं, ना मेरे सास है, ना ससुर है, ना जेठ है, ना देवर है, कोई नहीं है। मेडिकल नहीं कराया? नहीं, ना कोई जाँच करी? नहीं। तो मुकदमा दर्ज कप्तान सर ने लिख दिए हैं, बोले हैं कि देखो कोर्ट से लिखा जाएगा तुम्हारा मुकदमा, ले हमने देखो आदेश कर दिया, घबराने कोई बात नहीं तुम्हारा। हम गांव में नहीं रह रहा, देखो दरोगा जी ने उन्हें भगा दिए हैं, गांव से बाहर गया है, पता नहीं क्या करता है, भाग गया जी। हाँ वो वो ऐसे मजदूरी करते हैं, खेत बाड़ी है ना, गुजरात में रहते हैं वो, उन्हें उनके बुलाने के लिए देखो उसके पहले भी देखो उनके पैर में चोट लग गई थी, इसीलिए वो बाहर में गुजरात में हैं।